जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। गुरु जब जीवित होते हैं तो देख के नहीं समझ में आता है कि ये एक चमत्कारी पुरुष है, लेकिन मृत्यु के बाद बहुत सारी कहानियां बनने लगती हैं। जैसे हाल में मैंने आपको बताया था कि एक गुरु थे, वो ट्रेन पे जा रहे थे, ट्रेन में मैजिस्ट्रेट चेकिंग हो गया, गुरु के पास टिकट नहीं था, उनको उतार दिया गया। फिर ट्रेन बढ़े ही ना, अब ट्रेन ना बढ़े, सब परेशान, तो मैजिस्ट्रेट को किसी ने बताया कि आपने वो गुरु को जो उतार दिया वो बहुत बड़े सिद्ध हैं, उनसे आप माफ़ी मांग लोगे तो ट्रेन चलने लगेगी। मैजिस्ट्रेट गए, उनसे माफ़ी मांगी, जैसे माफ़ी मांगी और उनको वापस ट्रेन पे चढ़ाया, ट्रेन चलने लगी। अब ये जो कहानी है ये बहुत सारे गुरुओं के बारे में आप सुनिएगा, हालांकि ये हुआ किसी एक ही गुरु के साथ होगा और मुझे अंदाज है कि किन के साथ ये हुआ था, लेकिन बहुत सारे गुरुओं की कथा में मैंने ये कहानी सुन रखी है। एक कहानी और थी कि अकलकोट महाराज के एक शिष्य साईं बाबा के पास आए, उनको अकलकोट महाराज दिख रहे थे साईं बाबा की जगह। अब ये कहानी हाल में मैंने किसी और गुरु के बारे में सुनी। चमत्कार जो है, जो दिखाने वाले होते हैं ना, वो चमत्कार दिखाने के लिए नहीं दिखाते हैं चमत्कार, ना बताने के लिए दिखाते हैं। और अघोर चमत्कार का दुनिया है, लेकिन ये चमत्कार अघोरियों के लिए उतना ही मायने रखता है जितना एक पायलट के लिए हवाई जहाज उड़ाना, और आम आदमी जो हवाई जहाज को देख के सोचता हो हो क्या हवाई जहाज है। नाथों का इतिहास रहा है और हिमालय से लेकर के माउंट आबू के रेंज में बहुत सारे ऐसे नाथ बसे जिन्होंने बहुत जबरदस्त चमत्कार दिखाए। शुरू करता हूँ आज की कथा। बागनाथ अघोरी जी के बारे में बताने से पहले आपको मैं बताऊंगा अपने दादा गुरु के बारे में, प्रेमनाथ जी के बारे में। प्रेमनाथ जी का कोई स्थान नहीं था, वो घूमते रहते थे। वो बोलते थे अघोरियों का कहाँ घूमना है, गादी बनाना नहीं है, वो घूमते रहते थे। तो कुछ दिन वो माउंट आबू, गुजरात, ये क्षेत्र घूम रहे थे। तो एक दिन तुलसीगिरी जी महाराज ने साधुओं के लिए भोज रखा, मतलब भोज कोई सोगाराम करके एक मंत्री थे उनके तरफ से रखा गया था, 2 से 3 लाख साधुओं का भोज था। तो उसमें जितने बड़े बड़े नाथ थे, साधु थे, आए थे, तो बहुत बड़ा नाम है गिरनार का और माउंट आबू तक का, महादेव नाथ जी का, शांति नाथ जी थे उस समय, ये मतलब आज से 30 साल पुरानी कहानी है, प्रेमनाथ जी थे, शिवगिरी जी महाराज थे। शिवगिरी जी महाराज एक अलग चमत्कारी संत थे। वो कपासनी आश्रम में रहते थे और सुबह वो स्नान करने के लिए जाते थे माउंट आबू में, जो कि 200 किलोमीटर है, और वो ये पूरा डिस्टेंस जो है सेकंड में पूरा करते थे, और ये उनका रोज का दिनचर्या था और लोग जानते थे। और वो स्नान करके फिर कपासनी 200 किलोमीटर वापस समय पे रहते थे। तो ऐसे लोग, ऐसे साधक उस भोज में आए हुए थे। उसमें अघोरी स्वरूप में हमारे दादा गुरु जी प्रेमनाथ जी को बुलाया गया था। तो नियम है कि जहां पर साधुओं का भोज होता है तो सबसे पहले अघोरी को खिलाया जाता है, क्योंकि अघोरी को शिव का रूप माना जाता है। लेकिन बहुत सारे साधु मिले थे, बहुत पुराने पहचान वाले थे, तो सब अपने बात विचार में रह गए और दादा गुरु के बारे में भूल गए, इनके खप्पर में भोजन नहीं आया। थोड़ा देर में ये रुष्ट हो गए और उसके बाद इन्होंने जितना भी भोज का भोजन बना था, क्योंकि साधु थे तो सात्विक भोजन था, सबको तामसिक कर दिया। पहले तो सब हड़बड़ा गए कि कैसे हो गया ये, बाद में समझ गए कि प्रेमनाथ जी ने ये किया है।
फिर शिवगिरी जी, तुलसी गिरी जी दादा गुरु जी को मनाने आए, लेकिन वो माने नहीं क्योंकि वो दशनामियों की बात नहीं सुनते थे। तो महादेव नाथ जी, शिवनाथ जी, प्रेमनाथ जी ने समझाया इनको, मनाया, लोगों ने माफ़ी मांगी, और फिर जो है वो भोजन वापन वापस जो है सात्विक और मिष्टान बन गया। उसके बाद उनको बोला गया कि आप जो काली गुफा है वो आप रखो, लेकिन ये अघोर थे, मस्त मलंग थे, इनको कुछ चाहिए नहीं था। तो ऐसे चमत्कार बहुत, मतलब बहुत नॉर्मल चीज़ है नाथ में, और जो असल चमत्कारी संत होते हैं, अब तो एसी और परिवार में रह करके लोग बोलते हैं कि गुरुजी ये यक्षिणी दिलवा दो एक, है ना। गिरनार में एक और संत हुए, बेलनाथ जी। बेलनाथ जी की आप लोगों ने तस्वीर देखी होगी कि वो बाघ रूप में, उनका एक तस्वीर है। तो बेलनाथ जी को बेलनाथ बाघनाथ बोला जाता है, क्यों? क्योंकि वो रात में बाघ बन जाते थे और उसके बाद पूरा गिरनार विचरते थे, ठीक है। तो शक्तियां ऐसी होती थी, तीन शक्तियों के बारे में बताया। एक शिवगिरी जी महाराज, जो कि अपने आश्रम से कहीं और चले जाते थे सेकंड भर में। हमारे दादा गुरु जी, गुरु श्री प्रेमनाथ जी, जो 3 लाख लोगों के भोजन को निरामिष बना देते थे, बना दिया। और बागनाथ जी, जो कि शाम रात में बाघ बन के घूमते थे। ये शक्तियाँ थीं, ये शक्ति इनके पास थी। उसके बाद क्या होता है कि लोग शक्तियों के बारे में सुनते हैं और शक्तियों को साधने निकल जाते हैं, अपनी आप कितने सक्षम हैं इसको ना देखते हुए। करीब 90 साल पहले हिमाचल में बालकनाथ जी के आश्रम के पास एक स्थान है जहां आज भी नदी 3 किलोमीटर तक बीच में लुप्त हो गई है। मतलब नदी एक जगह आके खत्म होती है, फिर 3 किलोमीटर बाद दूसरी जगह निकलती है। वहां पर एक नाथ जी की हत्या हुई थी। गुरु शिष्य का संबंध था, और बहुत सारी कहानियां गुरु शिष्यों में चलती हैं कि गुरु का सम्मान करना चाहिए किसी भी स्थिति में, और इन्होंने बाघ सिद्धि कर रखी थी। तो गुरु की कहानियां होती हैं कि एक गुरु थे, वो पागल हो गए थे, सारे शिष्य छोड़ के चले गए, एक शिष्य बचा जो पागलपन में भी उनको नहीं छोड़ के गया। उनका जो ग्रह दशा ऐसा था कि उनको पागल होना था, ग्रह दशा ठीक हुआ, गुरु ठीक हुए, उसके बाद उस शिष्य को अपनी सारी शक्ति दे दी। शायद ऐसे ही किसी कथा से प्रेरित एक शिष्य एक गुरु के साथ रहता था हिमाचल में, और उसके गुरु को बाघ की शक्ति थी। बाघ की शक्ति थी मतलब वो बाघ अघोरी थे, दिन भर वो इंसान रहते थे, रात में वो बाघ बन के विचरते थे। लेकिन हर एक के बस की बात नहीं होती है कि आप शक्ति को साध के रखो। नाथ जी जब रात में बाघ बनते थे तो वो अपनी अवस्था को नहीं संभाल सकते थे और वो पूरे पशु भाव में आ जाते थे, और धीरे धीरे उस पशु भाव में उन्होंने हत्या शुरू कर दिया। जैसे बेलनाथ बागनाथ जी सिर्फ घूमते थे, हिमाचल वाले नाथ जी ये हत्या करते थे, ये लोगों को मारते थे, पशु भाव था, पशु थे उस समय। इनकी उस शक्ति पर पूरा पूरा संयम, कंट्रोल नहीं हो पाया था। तो जैसे ही इन पर बाघ आता था, ये अपना और सारे शक्तियों को छोड़ देते थे और बाघ इन पे हावी होता था। जो शिष्य था वो लालच में कि जब गुरु के पास इतनी शक्ति है तो मेरे पास भी आ जाएगी, उनके इन सारे कृत्यों को ढकता रहता। क्षेत्र में बहुत सारी हत्याएं हुई, बागनाथ जी के बारे में लोग जानते थे, कोई कुछ बोल नहीं सकता था। और बागनाथ जी भी खुश थे, शिष्य भी खुश थे कि बहुत ताकतवर गुरु मिले हैं हमें। ताकत किसको पसंद नहीं आता है, और जब ताकत किसी को पसंद आने लगे तो समझ जाना कि वह पथ भ्रष्ट हो रहा है। कृष्ण जी के बारे में जब रश्मि रथी में तृतीय सर्ग में लिखा गया, तो युधिष्ठिर को उन्होंने बोला था, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, जब महाभारत का युद्ध शुरू होना था। तो जब शक्ति का अहंकार होता है ना, तो नाश बहुत नजदीक होता है। ये गुरु शिष्य
अपना शक्ति का प्रदर्शन करते थे। शिष्य को भी बहुत घमंड था गुरु पे। एक रात पासा पलटा, गुरु घूमते हुए शिष्य के घर पहुंच गए, बाघ रूप में। इस बार शिष्य घर में था नहीं, वो कहीं साधना कर रहा था। गुरुजी ने शिष्य की पत्नी का शिकार किया, भोजन लगाया, भोग लगाया और चले गए। शिष्य लौट कर आया तो पता चला, रही ये तो बहुत बड़ा अपराध, ये क्या कर दिया गुरुजी ने। गुरु सिद्ध थे, बाघ बन रहे थे तो सिद्ध तो थे ही, शक्ति कंट्रोल में है नहीं है वो तो सेकेंडरी बात है, लेकिन वो तो सिद्ध थे। उन्हें आभास हो गया था कि अब मेरी हत्या होगी और मेरा शिष्य ही मेरा हत्या करेगा। तो दूसरे दिन सुबह सुबह शिष्य और लोगों के साथ पहुंचा, तो वो बैठे हुए थे। उन्होंने बोला कि तुम मेरा हत्या करने आए हो, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन वो गलती मैंने अबोध स्थिति में किया था, मैं पशु था उस समय, तो मेरी मेरा भाव पशु का था, ना गुरु का था, ना घोरी का था, ना मनुष्य का था, तो तुम मुझे मार दो। लेकिन उन्होंने ये बोला कि तुम मुझे मार कर मेरे खोपड़ी को टुकड़े टुकड़े कर देना। ऐसा क्यों? क्योंकि अघोरी की जो भी शक्ति होती है वो उसके खोपड़ी में होती है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि हम लोग जो मुंड रखते हैं वो गुरु का मुंड रखते हैं, जब गुरु का देहावास हो जाता है तो उनका ही मुंड हम लोग रखते हैं, और जो लोग ऐसे मुंड लेके घूमते हैं वो गलत होता है। तो उनके मुंड को बीच उसी नदी के पास उसको चूर दिया गया, वो नदी वहाँ सूख गई। उसके बाद वो मृत्यु के बाद भी उनको मोक्ष नहीं हुआ, वो घूमते रहे। देखो शक्ति का क्या मार होता है। शक्ति जब आई तो बहुत कॉन्फिडेंस आया, बहुत कुछ किया, लेकिन जब शक्ति ने अपना रूप दिखाया, जब वापस लिया, तो बागनाथ जी की जान चली गई और वो प्रेत अवस्था में आ गए। बहुत दिन बाद हमारे गुरुदेव फिर वहां पर गए और उनको जो भैरव दंड है उसमें स्थापित किया एक शक्ति के रूप में। भैरव दंड क्या होता है? तो अघोरी एक दंड रखते हैं हाथ में, या अघोर साधक एक दंड रखते हैं। तो हमारे गुरुजी के जो का जो अघोर दंड है, जो भैरव दंड है, उसमें इस अघोरी के प्रेत को स्थापित किया गया, और आज भी वो उसी में स्थित है। भैरव दंड देखना है तो रांची वाले भैरव बाबा की जो मूर्ति होती है उसमें साइड में देखना, एक कपाल की तरह कपड़े में लपेटा हुआ एक डंडा है, वो मेरा घोर दंड है, भैरव दंड है। तो वैसे भैरव दंड में उनको स्थापित किया गया और अब वो अनंत काल तक उसी भैरव दंड में रहेंगे। ये उनको शक्ति ने दिया। पहले जितना मजा करना था उस शक्ति से उन्होंने कर लिया। शक्ति का पूरा परिणाम जब आना शुरू हुआ तो जितने गलत कृत्य किए थे उन्होंने, वो उनको उस जीवन में तो भोगना ही पड़ा, मरने के बाद आज तक वो इस शक्ति के अभिशाप को भोग रहे हैं। आज भी वो सेवा दे रहे हैं किसी नाथ जी को। अब मुक्ति नहीं होगी, अब वो प्रेत अवस्था में उसी भैरव दंड में रहेंगे, और जो लोग आएंगे, जो परेशान होकर आते हैं, उनको वो उसी भैरव दंड में स्थापित हो करके और आगे का मार्ग दिखाते हैं, उनको दुख कष्टों से मुक्ति दिलवाते हैं। लेकिन देखो क्या होता है, शक्ति तुम्हें जहां सबसे शक्तिशाली बनाता है, जब वापस लेने की बात आती है तो बहुत जोरदार लेता है। इसीलिए शक्तियों के बीच ना पड़ के, पीछे ना पड़ के साधना करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना करनी वो मेरे फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431885885। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantra.xyz, उसमें अपॉइंटमेंट सेक्शन है। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉलिंग फॉर ऐप, उसमें rudranath@cm4 सर्च कर लिया, मेरा प्रोफाइल आएगा, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अघोरेश्वर आप सभी को स्वस्थ रखें, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।